हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरी छुट्टी है, संडे। सोचा मैं क्या करूं, तो आज मैं चिकन बनाना सोच रही हूं। देखिए क्या क्या लगता है। चिकन के लिए, चिकन तो मैंने धो दिया है। उसके बाद प्याज मैंने कट कर ली हूँ, मिर्ची, जीरा, गोलकी, फिर इलायची, टमाटो, अदरक, तेजपत्ता। मसाले के लिए हल्दी, धनिया, गरम मसाला और मिर्ची पाउडर और नमक स्वादानुसार। कढ़ाई गरम हो चुका है, मैंने ऑलरेडी इसमें ऑयल डाल दी हूँ। और इसमें थोड़ा तो प्याज डाल दी थोड़ा फ्राई करने के लिए। इसको हम ग्राइंड कर देंगे ब्राउन होने तक, फिर थोड़ा 1 मिनट के लिए। तो मैंने प्याज ब्राउन हो चुका है, मैंने इसको बाहर निकाल ली हूँ। और जो हमारा कढ़ाई गरम है उसमें हम प्याज डालेंगे, तेजपत्ता डालेंगे और प्याज। तो ये वाला जो प्याज हमने ब्राउन किया तो उसे हम पीस लेंगे। पीस के अंदर अदरक, सॉरी मैं लहसुन बताना भूल गई थी, लहसुन भी डालना है, जीरा, इलायची, ये सब हम एक बार पीस लेंगे। तो हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम चिकन डालेंगे, चिकन को अच्छे से फ्राई करने के लिए। ये हमारा चिकन इस वाले फ्राई वाले प्याज में डला गया है, इसको अच्छे से भून लेंगे चिकन को। सारे चिकन डल चुके हैं, इसको ऊपर नीचे करके 10 मिनट के लिए पकने दीजिए। तो हमारे सारे मसाला ठीक से ग्राइंड हो चुका है, प्याज, लहसुन, अदरक, गोलकी, जीरा, ये सब। फाइनली मसाला रेडी हो चुका है चिकन के लिए। चिकन हल्का सा पक गया है, उसे हमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। उसके बाद चॉप टमाटो हम उसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे उसको, चिकन को पकने देंगे। फिर थोड़ा सा मसाला जितना हम पीसे थे सारा मसाला इसमें डाल देंगे ग्रेवी होने के लिए, और उसका चिकन का स्मेल जाने के लिए मसाला डाल दिए हम लोग, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला डालने के बाद ये हमारा कलर आ चुका है, ये लुक दिख रहा है, थोड़ा सा ब्राउनिश हो चुका है चिकन। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, ये सब हम डाल देंगे, अच्छे से इसको फिर से मिला लेंगे। आप चिकन पक गया है, थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा भाप दे देंगे। पानी डल चुका है, आप इसको पकने दीजिए 10 मिनट के लिए, छोड़ दीजिए। फाइनली चिकन हमारा पक गया है, देख लीजिए सब कलर, खाने में बहुत टेस्ट लगेगा।